नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे गल्फ से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चन है, तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि हर रोज नए अपडेट आपको सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौरव ग्लोबली बोल रहे हैं, सर कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं बोला। कुवैत में एक कॉन्टैक्ट पेपर होता है आज़ाद वीज़ा के लिए। अगर एक दिन मेरा काम नहीं मिलता है मुझे, तो वीज़ा भेजने वाले आपको काम करने का खर्चा देगा। भाई ये किसने बोल दिया? इनका मतलब ये है कि मान लीजिए आज़ाद वीज़ा मेरे को किसी ने दिया है और मुझे वहाँ पे एक दिन के लिए जॉब नहीं मिलता है, तो मुझे अगला एक दिन का खर्चा देगा। तो ये कौन सी गणित हो गई भाई? बिल्कुल ये न्यूज़ बिल्कुल झूठी है। किसी ने आपको दिया है तो आज तक तो किसी को हुआ नहीं है, क्योंकि कुवैत का एक सिस्टम होता है कि आज़ाद वीज़ा में लगभग लोग 20 दिन जॉब करते हैं। 20 डेज वर्किंग टाइम उनका होता है, क्योंकि छुट्टियां मिल जाती हैं, फ्राइडे की छुट्टी पड़ जाती है, तो वो 4 दिन वो चले जाते हैं, 2-4 दिन जॉब वगैरह नहीं मिलता, तो 20 दिन लगभग लोग भरते हैं। तो 20 दिन में क्या 10 दिन के फिर वो उनसे पैसे लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये न्यूज़ आपको दी है तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है भाई, ठीक है। कासिम अली बोलते हैं, सर कुवैत का खादम वीज़ा का क्या मतलब होता है, प्लीज़ इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई खादम वीज़ा का मतलब ये होता है कि घरेलू जॉब होते हैं ना, उनको खादम वीज़ा बोला। एक तो सोन वीज़ा होता है जो बाहर जो जॉब करते हैं, घरेलू घर के अंदर जो जॉब होते हैं जिसमें एक्स वाई जेड हेल्पर, किचन हेल्पर, या फिर ड्राइवर जॉब, या गार्डन वगैरह जो घर का जो खेत चौकीदार, कोई भी एक्स वाई जेड जॉब मान लीजिए, उनको खादम बोलते हैं, ठीक है। वो खादम का काम होता है, वो बाहर अगर काम करते हैं तो 2 नंबर में आ जाता है, घर में वो काम कर सकते हैं। मेनुची प्रीतम जी बोल रहे हैं, सर कुवैत में कौन सी जॉब के लिए जा रहे हैं, ये कैसा पता करें, प्लीज़ भाई बताइए। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई आपकी कि आपने जो वीज़ा जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया उसी चीज़ में जाओगे ना आप ट्रेड जो ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे वही आपको ट्रेड आगे मिल जाएगी आपको, वो तो पूछने वाली कोई बात ही इतनी नहीं होती। विश्वजीत बोलते हैं, सर जी गल्फ कंट्री में किस किस कंट्री में एमओ लेटर मिलता है? भाई गल्फ कंट्री में एमओ लेटर सब कंट्रियों में ही आता है, खास तौर से दुबई का ज़्यादा माहौल चलता है, तो बाकी एमओ लेटर तो हर कंट्री का ही आता है गल्फ से रिलेटेड। लवली बोलते हैं, सर मुझे चश्मा लगा है, क्या मैं कुवैत जा सकता हूँ? भाई चश्मे लगे हुए लोग कुवैत जाते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि मेडिकल टेस्ट जब आपका होता है तो दूर से और पास से आपको कुछ अक्सर दिखाए जाते हैं, उसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। दूर का अक्सर होता है थोड़ा, थोड़ा पास का होता है, दोनों आपको पढ़ के बोलना होता है ABCD, ठीक है, इस तरह से। उसमें पास हो गए तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर वीज़ा आने पर कितने दिन बाद जाना पड़ता है, और वीज़ा आने पर अपने पर क्या बनाना पड़ता है? भाई वीज़ा आने पर देखिए लगभग कंट्रियों में 3 महीने का टाइम होता है। वीज़ा जैसे आज निकला है तो 3 महीने के दौरान आप कभी भी जा सकते हो, बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट पहले से बना हुआ होता है, टिकट बना के आप जा सकते हो, वेरी सिंपल सिस्टम है। दुबई ब्लैकलिस्ट कतर जा सकता है क्या? बिल्कुल दुबई ब्लैकलिस्ट कतर क्या कोई भी कंट्री जा सकता है, कोई इश्यू और कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। एक भाई बोलते हैं, इनने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों का मैं आंसर लोग क्या एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार लोग खुद ही गलत पड़ जाते हैं। मैंने किसी को गलत बोला, दूसरे ने मुझे गलत बोल दिया, मेरी बात को काट दिया, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। एक है विजय आचार्य है, क्या एक्चुअल में होता क्या कि ये ज्ञान वो जाड़ते हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं होता। ज्ञान विजय आचार्य बोलते हैं, चूतिया न्यूज़ दे रहा है, आज़ाद वीज़ा में काम कौन करने देगा लीगल में, इट इज़ लीगल, डोंट ट्रस्ट हिम। जो न्यूज़ दे रहा है वो कभी यूएस से आया नहीं होगा, ये है विजय आचार्य जी। मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा, ये दुबई आज़ाद वीज़ा के बारे में बात बता रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाला था। ये बोलते हैं कि वहाँ कोई आज़ाद वीज़ा में काम नहीं करने देगा, बाकी इस पूरी दुनिया को पता है कि दुबई का आज़ाद वीज़ा आता है 9-10 हज़ार दिरहम लगती है। इसी का एक दूसरे बंदे ने आंसर दिया था, यस यू आर राइट सर, ये सही जानकारी है, मैं आज़ाद वीज़ा में खुद का काम करता हूँ फुल आज़ादी के साथ, 7 हज़ार दरम से 9 हज़ार दरम लगती हैं आज़ाद वीज़ा में, थैंक्स। यानी एक आदमी गलत बोल रहा है उसी को दूसरा बंदा सही बोल रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये लोग वो होते हैं जो या तो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि अपने को ही नॉलेज है, बाकी किसी को नॉलेज नहीं है, बाकी उन मूर्खों को ये कौन समझाए कि भाई वीडियो देख लिया करना, क्योंकि वीडियो का पता लग जाता है कि उसमें कितने लोगों ने उसको पसंद किया, उसी के हिसाब से पता लग जाता है कि यार बंदे में वीडियो में कितना दम है। चलो कोई नहीं, इनका आंसर आपको मिल गया। तो साथियों ये कुछ कुवैत और दुबई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज ऐसे टॉपिक पर नए नए वीडियो आते रहते हैं, जिससे भविष्य में आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।